हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद ट्वेंटी फाइव इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शंस सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन बचे देर आर सर्टन प्रॉब्लम जो कि हमारी सोसाइटी को इवनली एफेक्ट करती है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टेटा को हिट करती है है ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं सबसे कॉमन होती है फॉर एग्जाम्पल वी आर अवेयर कि अनटचेबिलिटी इज स्टिल समवेयर अ प्रॉब्लम लेकिन हो सकता है क्योंकि जिस शहर में आप और मैं रहते हैं अर्बन एरियाज में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल कहीं भी रह रहे हैं तो हो सकता है हमने इसको डायरेक्टली विटनेस ना किया हो हम लोग इससे अफेक्टेड डायरेक्टली नहीं है देर आर सर्टेन प्रॉब्लम जिनसे हम एक समान अफेक्टेड है एक समान वलनरेबल है उनमें से एक प्रॉब्लम जो है दैट इज रोड एक्सीडेंट बिकॉज रोड एक है, है ना उसी सड़क से जाना है आपको चाहे आप जिस मर्जी गाड़ी से जाओगे लेकिन रोड एक्सीडेंट जो है उसके लिए हम सारे एक बराबर वल्नरेबल है है ना क्यों हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं बच्चे बिकॉज देर इज अ रिपोर्ट जिसका नाम है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी टू रिपोर्ट है ना कौन इसको निकालता है सबसे पहले तो छोटे मोटे जो एग्जाम्स आते हैं पीसीएस वगैरह उनके लिए तो आप डायरेक्टली इसको याद रख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये वाली मिनिस्ट्री इस रिपोर्ट को जो है निकालती है टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा जिसको आपको मतलब कॉमेंट्स वगैरह में लिख के बताने की जरूरत नहीं है आप मुझे डायरेक्टली मतलब यहाँ तो आप सोचिए बस उसका आंसर है ना फिर हम देखते हैं कि रिपोर्ट क्या बोल रही है और हम क्या सोच रहे थे पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स आपके रूरल एरियाज में होते हैं या अर्बन एरियाज में होते हैं जो ज्यादा एक्सीडेंट्स हैं बच्चे वो रूरल एरियाज में होते हैं या अर्बन एरियाज में होते हैं सेकंड सवाल आपका ये है कि आपको क्या लगता है कि ज्यादा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आपकी स्ट्रेट रोड के ऊपर होते हैं या फिर उन रोड के ऊपर होते हैं जिसमें ग्रेडियंट ज्यादा होता है मतलब चढ़ाई उतराई ज्यादा है और पॉट होल ज्यादा है स्ट्रेट रोड के ऊपर होते हैं या फिर ग्रेडियंट वाली रोड के ऊपर होते हैं कर्ड रोड के ऊपर होते हैं लास्ट सवाल बच्चे कि आपको क्या लगता है कि जो हमारे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हैं वो नेशनल हाईवेज़ और स्टेट हाईवेज़ पे होते हैं या फिर इंटरनल रोड्स पे होते हैं नेशनल हाईवेज़ की जो लेंथ है आई थिंक वो रोड लेंथ के आई थिंक टू परसेंट के से कम ही है है ना तो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवेज़ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं कि आपके इंटरनल रोड्स पर होते हैं आई थिंक आपने तीनों का आंसर मन में सोच लिया होगा आइए बच्चे देखते हैं कि रिपोर्ट क्या बोलती है और क्यों हमें ये रिपोर्ट जो हैं वो एक ऐसी रियलिटी को को उभार कर देती है जो शायद हमने सोची ही नहीं होती है आपकी एबिलिटी जो आपको एक एक रियलिटी दिखाना चाह रही होती है आपका लॉजिक जिस तरफ को लेके जाना चाह रहा होता है वहां पे आपको डेटा इधर तो उस चीज को वैलिडेट कर देता है अगर आप मान लो वही सोच रहे हो जो डेटा बता रहा है।, है ना तो तो वेल एंड गुड है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में ये देखने को मिला है कि डेटा कुछ ऐसा हाईलाइट करता है जो हमने वैसे नहीं सोचा होता राइट सो सेम इज द केस विद दिस रिपोर्ट है ना इसीलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो है टू द पॉइंट के अंदर पढ़ानी जरूरी है आइए बच्चे तो आपको प्रीलिम के हिसाब से ये याद रखना है कि जो रिपोर्ट है वो कौन देता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इसको होम मिनिस्ट्री नहीं दे रहा है ना इसको हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं दे रहा है ना इसको और कोई मिनिस्ट्री नहीं इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांस जहां पे हो रहा है वो वाली मिनिस्ट्री इसको दे रही है स्टैंडर्डाइज हो रखी है ये फॉर्मेट्स के हिसाब से विच इज प्रोवाइडेड इन दैड बोलते हैं इसको एशिया पैसिफिक रोड एक्सीडेंट डेटा जो कि आपकी यू एन स्केप यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एशिया एंड दैसेफिक इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक डेटा का एक फॉर्मेट जो है बना रखा है कि रोड एक्सीडेंट्स को नापना है तो कैसे नापना है क्या उसका मतलब निकालना है उसके ही कंड्यूसिव उसी के कंड्यूसिव ही हमने ये वाला जो डेटा है उसको कंपाइल किया है और इसी डेटा के हिसाब से आपकी जो है वो रिपोर्ट है आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है रिपोर्ट की बाकी थोड़े बहुत ट्रेंड्स हैं वो यूपीएससी कभी कभी हो सकता है पूछ लेता है नहीं पूछता है उसमें इतना मैटर नहीं करता है बट ये थोड़ी सी रियलिटी आपको जो है ना आई ओपनर टाइप रियलिटी है दैट्स वाई वी आर स्टडिंग इट आइए बच्चे ट्रेंड देखते हैं कि रिपोर्ट कितनी हुई लग है लगभग साढ़े चार लाख एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर लगभग लगभग लग चार लाख तैंतालीस हजार लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं राइट इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि द द द डेथ्स विद रिस्पेक्ट टू तो नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन हैव रिड्यूस्ड ओवर पास्ट डेकेड लेकिन आपके जो ओवरऑल नंबर ऑफ डेथ्स है वो इंक्रीज हो गए क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स भी बढ़ गई हैं है ना तो उसके रिस्पेक्ट के अंदर एक्सीडेंट्स कम हुए हैं अगर हम रेशो की बात करें लेकिन एब्सोल्यूट नंबर इसका इंक्रीज हो गया है ठीक है बच्चे और करंटली क्या चल रहा है कि 12.2 पॉइंट टू कैजुअलिटीज पर वन लाख पीपल विच इज द हाइएस्ट ठीक है बच्चे बहुत ज्यादा हाई है ये इसको हमने रिड्यूस करना है और कई सारे प्लान भी आए हैं इसके लिए इसके अलावा वी हैव सीन दैट 11.9 परसेंट इंक्रीज इन एक्सीडेंट जिसके अंदर 9.4 परसेंट इंक्रीज इन फिटेलिटीज फिटेलिटीज माने मौत ठीक है जी जो खत एक्सीडेंट के बाद में डेथ हो रही है इसके अलावा 15.3 परसेंट इंजरीज कंपेयर टू 2021 है ना पिछली

इसके अलावा हम बात करें तो रूरल एरियाज के अंदर जो है वो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं अबाउट सिक्सेंट ऑफ रोड areas, टुक प्लेस इन सवाल स्टार्टिंग में पूछा था। इसके 32 बाकी के अंदर में बचे इसके अलावा स्टेट हाईवे इंटरनल रोड पर नहीं है जैसे मैं आपको पहले बता रहा था सिक्सटी सेवन ऑफ द एक्सीडेंट स्ट्रेट रोड्स वेर एज एक्सीडेंट्स ऑन कर्ड रोड पॉट होल रोड स्टीप ग्रेड टुगेदर अकाउंटेड फॉर थर्टीन पॉइंट एट परसेंट होली मारा काउंटर इंट्यूटिव थॉट इंट्यूशन हमारी ये बोल रही थी कि नहीं यार स्टेट सड़क पर थोड़ी होगा पॉट होल्स वाली पे ज्यादा होगा पॉट होल्स वाली पर थर्टीन पॉइंट एट परसेंट ही है मैक्सिमम सिक्सट सेवन परसेंट स्ट्रेट रोड पे है। इसके अलावा बच्चे ये तो खैर आपको ये आपके इंट्यूशन के साथ में होगा यंग एडर्ट्स इन द एज ग्रुप ऑफ एटीन टू फोर्टी फाइव ईयर अकाउंटेड फॉर सिक्सटी सिक्स

For your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak, and if you are zidhi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.